el ele yürümek istiyorsanız hep merhametle bakacaksınız birbirinize. Vallahi ben bu konuda Baran Bey'in yanındayım. Sen de mi gül? Şükürlük kayma. Hello friends, welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स जवाहर चौधरी से बरन और दिलान के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और ये सिचुएशन देखकर जवाहर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और कहता है कि मैं जानता था कि बरन खराब है, तुम इस मेंटालिटी के साथ कुछ भी हैंडल नहीं कर पाओगे। जवाहर जो है वो बार बार दिलान को मिसट्रीट कर रहा है और ये सारी बातें बरन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि कोई भी दिलान को हर्ट करे। और इसीलिए फ्रेंड्स बरान जवाहर से मिसबिहेव करता है, लेकिन दिलान को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह जवाहर को डिफेंड करते हुए बरान से कहती हैं कि तुम मेरे बॉस से इस तरह से बात नहीं कर सकते। होप करते हैं फ्रेंड्स कि दिलान जल्द ही ये बात अंडरस्टैंड कर लेगी कि बरान ठीक है और जवाहर एक बुरा इंसान है। और यहाँ फ्रेंड्स अंकल हसन जो हैं वो कुल और फिराद की शादी को लेकर बहुत ही अपसेट हैं और वो नहीं चाहते कि इन दोनों का रिसेप्शन हो, इसीलिए फ्रेंड्स वो कुल के पास आते हैं, लेकिन कुल इनकी बात नहीं सुनती। और यहाँ फ्रेंड्स सबीहा को भी जवाहर का सच बरान को बता देना चाहिए, अदरवाइज़ फ्रेंड्स हो सकता है कि जवाहर की वजह से बरान और दिलान की भी सेपरेशन हो जाए। होप करते हैं फ्रेंड्स कि बरान जल्द ही जवाहर का सच भी फाइंड आउट कर लेगा। तो फ्रेंड्स आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।